ये भीमा कोरेगांव का सेलिब्रेशन कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, पिछले सालों में भी होता रहा। ऐसा क्या बात है कि भाजपा जब सरकार में आती है, केंद्र में और राज्य में, तब ये जो फ्यूडल तत्व है, ये जो हिंदुत्ववादी, ये जो कम्युनल तत्व है, उनको इतना साहस मिलता है कि हम लोगों को कोई कुछ एक्शन नहीं लेगा, हमारे लोग सरकार में बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि हमारी सरकार है, हमें कुछ नहीं होगा, इसलिए ये कॉन्फिडेंस सरकार से आता है। और कहिए कि एक तरह से सरकार के संरक्षण में ये लोग कभी ऊना करते हैं, कभी सबीरपुर करते हैं, कभी भीमा कोरेगांव करते हैं। दलित्स जब अपना एसर्शन करेंगे तब वो एंटी नेशनल, और अनंत हेगड़े जैसे लोग जब बोलेंगे कि संविधान को बदल देना चाहिए, वो एंटी नेशनल। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किस तरह से इन तमाम एलिमेंट्स को, जो असल में संघी गिरोह के गुंडे हैं, इन तमाम तत्वों को किस तरह से मदद दी, किस तरह से इनकी रक्षा की कि महाराष्ट्र के अंदर जब ये रैली में से लोग लौट रहे थे, हर साल ये अपना ये कार्यक्रम, ये फंक्शन हर साल होता है, और इस बार जो है एक योजनाबद्ध तरीके से इन तत्वों को जो है खुला संरक्षण दिया गया। I am from the working class. If there is going to be communal disunity, the struggles of the people, of the working class, of the peasantry, they will be on the back foot. They are coming forward, and therefore the need to divide us is prompting this kind of outrageous response from governments. Our PM has said that he is trying to make a new India, and in new India there is no place for Dalits, no place for Muslims, no place for any minority. जनता को बांटने वाली राजनीति को, झूठे दंभकारी राजनीति को ये किस तरह से मदद करती है, ये भारत के शासक वर्गों का चरित्र है जो इस वाली घटना से एक बार फिर से सामने आ रहा है। कि ये लोग जो मनुवादी लोग हैं और जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये दलितों को हिंदू मानते ही नहीं है। इनके लिए दलित हिंदू सिर्फ दो मौकों पर बनता है, एक दब जब वोट देना हो, दूसरा जब मुसलमानों से दंगे करना हो। Today, angry citizens have taken to streets to protest the brutal attack on Dalits in Maharashtra. 2017 saw mob lynchings and brutalities on minorities. With such an attack right in the beginning of 2018, it makes one wonder what lies in store. Is this going to be a repeat of last year? We surely hope not. This is Apurva Chaudhary from NewsClick.